तो फाइनली अगर आप लोग आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप लोगों की ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट होने वाली है, तो आप सभी के लिए टीसीएस ने यहां पर बीपीएस हायरिंग स्टार्ट कर दी है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में पूरी बात करने वाले टीसीएस बीपीएस हायरिंग के बारे में। सबसे पहले बता दूं, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। दिए गए लिंक के थ्रू आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे टीसीएस के बीपीएस हायरिंग के लिए। सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन डेट एंड होने वाला है 14 अप्रैल 2024 को, जो कि संडे होने वाला है। टेस्ट डेट अभी यहां पर अनाउंस नहीं किया गया, ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो हाल फिलहाल में स्टार्ट करेगी इनकी हायरिंग, जो चलने वाली है 14 अप्रैल तक। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टीसीएस की बीपीएस हायरिंग आखिर होती क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, TCS BPS is opening its gates for arts, commerce and science graduate from 2024 graduating batch। मतलब जो लोग यहाँ पर 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिनका स्ट्रीम यहाँ पर ये सारा होने वाला है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए निकाली जाती है TCS की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने आपको बताया, 14 अप्रैल से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर आगे बता दूंगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, वेरिफिकेशन डिटेल्स के लिए आपको आपके आधार नंबर रखने होंगे। आधार कार्ड में जो नाम है वही आपको यूज करना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड आपको यहाँ पर यूज करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए तीसरा स्टेप में बीपीएस हायरिंग के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे करनी होगी आगे बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्टेप फोर में जा करके आपको सेंटर को चूज करना और फिर यहाँ पर अप्लाई करना है। बता दूं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इन सेंटर टेस्ट होने वाला है, जिसे कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों की यहाँ पर सलेक्शन होने वाली है। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होने वाला है, तो फटाफट आप लोगों को यहाँ पर अपने सेंटर को चूज कर लेना है। बता दूं यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मतलब आप समझ चुके हैं, जो पहले आएगा उसी को पहले मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दिए गए, जिसे आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट में, जो यहाँ पर टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं द टेस्ट विल बी है 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने वाले और यहाँ पर 50 मिनट्स भी आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर न्यूमरिकल एबिलिटी होने वाली, रीजनिंग एबिलिटी होने वाली और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड भी होने वाली। तो यहाँ पर 50 नंबर के टेस्ट होंगे, 50 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, जो लोग बीए, बीकॉम, बीएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीएससी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के स्टूडेंट है, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। गैप या ईयर ऑफ बैक या फिर गैप यहाँ पर एजुकेशन में कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। द ओवरऑल अकेडमिक गैप शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ अंटिल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब सब मिला करके यहाँ पर 24 महीने से ज़्यादा गैप आपकी नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंडेड एजुकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बैकलॉग आपका नहीं होनी चाहिए। ये सारा चीज़ें आप नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, बैकलॉग अगर है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो सारे बैकलॉग यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी फुल टाइम कोर्सेज किए सिर्फ वही लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले, पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस कोर्स वाले नहीं होने वाले। तो अगर आपने फुल टाइम कोर्सेज कॉलेज से कर रखे तो आप लोग एलिजिबल होने वाले। एक्सपीरियंस की अगर बात करें, यहाँ पर ये इंटर लेबर रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरत नहीं होने वाली है। मिनिमम एज 18 होने वाला है और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तहत से आप लोगों को यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई, जिसे आप लोगों को फुलफिल करना है। टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और भी कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दी गई, जिसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मे बी कोई डाउट होगी तो आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके लिए आपको सबसे ऊपर यहाँ पर पहुँच जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन करना है टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर का आपको बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर बीपीएससी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग बिजनेस प्रोसेस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो आपको बीपीएस पे यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी, जिसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। तो फाइनली इतना करने के बाद आपको अपने आधार नंबर का 4 डिजिट यहाँ पर सबमिट करना होगा। फिर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम लगानी होगी, डेट ऑफ बर्थ आपको करनी होगी। फिर आपको आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर के क्लिक करना होगा।
इतना करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर एग्री करनी होगी। आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, यहाँ पर सिंपली आपको एग्री के इस बटन पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड का बटन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फाइनली इतना करने के बाद आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना, अपने मोबाइल नंबर डालना, इंस्टीट्यूट का नाम डालना, क्वालिफिकेशन डालना, ईयर ऑफ पासिंग डालनी होगी, सोर्स टाइप आपको डालनी होगी जैसे कि किस सोर्स क्या सोर्स होने वाला आपका, तो यहाँ पर वेब हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे सोर्स का नाम डालना होगा, फिर नियरेस्ट TCS ऑफिस को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप लोकेशन देंगे उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कैप्चा को फिल करके आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। इसके आगे के स्टेप के लिए आपको आपको जब लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप लोग इनके आगे के स्टेप में पहुँच जाइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ आगे के स्टेप क्या होने वाली है। तो आगे के स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर TCS BPS हायरिंग प्रोसेस के बारे में दी गई है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इफ़ यू आर रजिस्टर्ड यूज़र काइंडली लॉगिन, अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो लॉगिन कीजिएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर BPS कैटेगरी को चूज़ करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना, जो भी मैंने आपको बताई। ठीक है, स्टेप फोर में क्या होने वाला, अपने सेलेक्ट मोड ऑफ टेस्ट सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, यू प्रीफर सेंटर लोकेशन एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। नोट, नेक्स्ट टेस्ट सेंटर वन चूजन कैन नॉट बी चेंज। तो एक बार आप लोगों का जो भी टेस्ट सेंटर आप लोग चूज़ कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया वो चेंज नहीं होगा, उसे देख करके आप लोग सही तरीके से यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। टू कंफर्म योर स्टेटस टिक ट्रैक एप्लीकेशन, द स्टेटस टू रिफ्लेक्ट एज अप्लाइड फॉर ड्राइव। तो यहाँ पर सिंपली क्या होने वाला है, इस स्टेप्स को आगे बढ़ने के बाद आप लोग सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होकर आ जाएगा, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग TCS के BPS हायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, BPS को सेलेक्ट करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, फिर TCS BPS के लिए यहाँ पर अप्लाई का एक यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर टेक्स्ट मिल जाएगा, क्लिक करके आपको सारी अपनी डिटेल्स को फिल करनी होगी, उसके बाद आपको बस यहाँ पर अप्लाई कर देना है। सो फाइनली उम्मीद करूँगा आज के वीडियोज़ आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।